मैं सभी राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूँ। उन स्वतंत्रता सेनानी ने किस प्रकार संघर्ष किया होगा और देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए बलिदान किया। मैं सभी स्वतंत्रता सेनानी के चरणों में नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज देश जो उनका सपना था, आज वो सपना साकार हो रहा है। भारत माता बोलने में भी शर्म आती थी लोगों को। हिंदुस्तान के सभी कोने में तिरंगा झंडा नहीं फहरता था। आज सभी घरों पर तिरंगा झंडा और श्रीनगर के चौक पर भी तिरंगा झंडा फहरता। आज लंदन के धरती पर भी आदरणीय देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी उतरते हैं तो भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगता है। एक समय था कि भारत माता जय और वंदे मातरम के नाम सीने पर गोलियां चलती। आज उन गरीबों के पास जिनका अपना पक्का आवास नहीं था, आजादी के सालों बाद आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में उन सभी को पक्का आवास मिल रहा है। बंटाइयां, मुसर, थारू जैसे जाति को भी कुछ नहीं मिलता था। आज उन सभी के पास अपना पक्का आवास, अपना शौचालय है और पक्की सड़कें, हाईवे, नेशनल हाईवे, फोर लेन की सड़कें लोग देखते नहीं थे। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने दक्षिण पूर्व जो जोड़ने का सपना देखा था, आज वह सपना साकार हो रहा है और पक्की पक्की। आप सभी को